नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। सुजालपुर ग्रामीण क्षेत्रों में घटित होती चोरी की वारदातों को लेकर परेशान किसानों ने भारतीय किसान संघ के बैनर तले सुजालपुर SDM प्रकाश कस्बे तथा SDOP BS द्विवेदी की उपस्थिति में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि सुजालपुर तहसील में चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है। चोरों के द्वारा किसानों की मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, पंप तथा कृषि सामान चुराने की घटनाएं घटित हो रही हैं। ऐसी घटना हरलाय कला के कृषक देवेंद्र सिंह परमार के यहाँ भी घटित हुई। 1 जून की रात 2 बजे चोरों द्वारा ट्रैक्टर चुरा लिया गया। चोरी की भनक लगने पर गाँव वालों की मदद से अपराधी को पकड़ा गया। इसी तरह 31 मई की रात ग्राम जेठड़ा से रामचंद्र पिता मांगीलाल सिसोदिया का ट्रैक्टर चोरों द्वारा घर के सामने से धक्का देकर ले जाया जा रहा था। किसान के जागने पर चोर ट्रैक्टर छोड़कर भाग गए। ग्राम जामनेर से रामचंद्र पिता मांगीलाल धाकड़ का सिंचाई पंप अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। संघ के प्रदेश संगठन मंत्री महेश चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि चोरी किए गए ट्रैक्टर किसानों को बिचौलियों के माध्यम से मोटी रकम देने के बाद वापस कर दिए जाते हैं। ठीक इसी तरह चोरी हुई मोटरसाइकिल भी बिचौलिए फिरौती के बाद दिलवा देते हैं। अपना सामान चोरी होने के बाद किसानों द्वारा समझौता करना मजबूरी बन गया है। लगातार घटित होती चोरी की वारदातों से ग्रामीण डरे हुए हैं। कृषकों ने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दोषियों को नहीं पकड़ा जाता है और चोरी की वारदातों पर विराम नहीं लगाया जाता है तो भविष्य में किसानों को रोड पर उतार कर आंदोलन करना पड़ेगा। खबर समय जगत के लिए सुजालपुर से गोविंद जाधव की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।